तो जब हमने इसको यहाँ एडमिट किया तो इसकी उस वक्त ऑक्सीजन सेचुरेशन थी 50%। हमने ट्रीटमेंट शुरू कर दी, ऑक्सीजन लगाने शुरू कर दी और डॉक्टर लगातार इसको देखते रहे। 3 दिन से इसकी ट्रीटमेंट चल रही है। रेफर का हमने सोचा था, लेकिन एक तो अटेंडेंस ने रिफ्यूज़ किया कि हमने कहीं नहीं जाना है, आप जितनी ट्रीटमेंट यहाँ कर सकते हो करो। दूसरा हमने जो भी से मना कर दिया, हमारा बेड नहीं है, आप अपना पेशेंट जो है इधर मत भेजिएगा, वहाँ जो ट्रीटमेंट कर सकते हैं वहीं कीजिए। तो आज उसकी डेथ हो गई, उसकी एज 70+ थी। ये आदमी जो है आज उसकी डेथ हो गई। कल हमारे 2 डॉक्टर पॉजिटिव आए और 1 स्टाफ नर्स पॉजिटिव आ गई है। उसमें यह है कि क्योंकि कई बार जाके ये पॉजिटिव पेशेंट जो है इनको देखना पड़ता है, कभी इनका बीपी चेक करना है, कभी इनका टेम्परेचर चेक करना है, इंजेक्शन लगाने हैं और ऑक्सीजन भी मॉनिटर करनी है, तो उसमें एक्सपोजर बड़ा होता है और बहुत सारे लोग जो हैं वो उसमें एक्सपोज हो जाते हैं। तो कल जो टेस्ट हमने कराया है उसमें 2 डॉक्टर पॉजिटिव आ गए, 1 हमारी स्टाफ नर्स पॉजिटिव आ गई है। अब आने वाले कल में बाकी सारे स्टाफ के भी टेस्ट करवा के देखूंगा, अगर और कोई पॉजिटिव है तो उसको भी हम आइसोलेट कर आने जा रहे हैं। प्रिकॉशन हम जो ले रहे हैं वो यही है कि यहाँ जो भी आएगा हम उसका टेस्ट करेंगे, बिना टेस्ट के किसी को अब डॉक्टर भी चेक नहीं करेंगे। और उसमें जो पॉजिटिव लोग निकलेंगे अगर वो एसिम्प्टोमेटिक हैं तो उनको होम आइसोलेशन में रखा जाएगा, सिम्प्टोमेटिक है तो उनको जो पुंछ का होगा उसको पुंछ हॉस्पिटल में एडमिट करेंगे, और जो सरकोट मैलर या मंडी का होगा वो अपने अपने हॉस्पिटल में चले जाएंगे, वहाँ उनकी ट्रीटमेंट होगी। इन केस अगर कोई ज़्यादा सीरियस हो जाता है और अगर कहीं बाहर से किसी को रेफ़र किया जाता है तो उसको वो दोबारा रेफ़र भी कर सकते हैं, लेकिन इनिशियली हमारी कोशिश यही होती है कि हर आदमी जो है अपने अपने ब्लॉक में जाके ट्रीटमेंट ले, तो उससे हमारा